हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसा है मेरा बच्चा बाटी? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5th सर्कुलर मोशन की। और आज का लेक्चर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले सैटरडे को जो आपको असाइनमेंट दिया था उसके क्वेश्चंस फ्रॉम DC पांडे, एज वेल एज एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने करने वाले हैं। और उसमें आप याद रखना बच्चों, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक पढ़ते आए। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आज का लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सो आर यू गाइज रेडी? परफेक्ट। लेकिन बिफोर दैट हम लोग एक स्मॉल रिकैप कर लेते हैं कि जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई की है। और ये कुछ की पॉइंट्स है बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले फॉर्मूले आपको एज इट इज दिमाग में स्टोर कर लेने। तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में क्या बात की थी कि सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाता है तो उस सोर्स को जो सेंटर पे माना था कि हम सोर्स वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, सोर्स और पार्टिकल के बीच के उस डिस्टेंस को हम लोगों ने रेडियस माना था। और सर्कुलर मोशन में रेडियस कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जैसे अभी तक काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने कुछ लीनियर पैरामीटर्स के बारे में बात की है, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में हम कुछ एंगुलर पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। और लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स के बीच में हमने बहुत सुंदर रिलेशन देखे थे। वहाँ पर हम बात करते थे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेशन। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेशन, है ना। और इन तीनों में फिर आपस में इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेशन देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी बच्चे एंगुलर पोजीशन क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, और थीटा का फॉर्मूला होता था आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। और यहाँ से हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dt by dt कर देते हैं तो वही हमारे पास ओमेगा होता है। बात समझ में आई ना? ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओमेगा एवरेज के बारे में यहाँ से बहुत सुंदर से रिलेशन कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोगों ने। इंस्टेंटेनियस और एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको आता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि लीनियर वेलोसिटी में हम लोगों ने यहाँ पर हम बात करते थे वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिलेशन है बेटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। ध्यान रखिए ये मैग्नीट्यूड वाइज करेक्ट है, मैग्नीट्यूड वाइज करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजिशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलेशन, ये सभी के सभी एक्सियल वेक्टर है। और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल, थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन। जिस भी प्लेन में वो रोटेट कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन होने वाली है। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि थीटा हमें पता लग गया, ओमेगा हमें पता लग गया, तो अल्फा क्या, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलेशन, सेम वही वहां पे ए क्या होता था, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन को क्या लिखते थे, डीवी बाई डीटी या डी स्क्वायर एक्स बाई डीटी स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा, दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डीटी, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डीटी स्क्वायर। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जो ये होता है हमारे पास, हमने देखा था कि एक्सेलेशन के यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज रेडियल, वन इज टेंजेंशियल। तो जो रेडियल होता है ना वो तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन जो टेंजेंशियल होता है उसी के कारण स्पीड चेंज होती है। स्पीड जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना वो टेंजेंशियल के कारण चेंज होता है। अब याद करो अभी तक हम लोगों ने वहां पर काइनेमेटिक्स में यूज करते थे वी इक्वल टू यू प्लस एटी। अरे भैया वो एक्सेलेशन कांस्टेंट में रिलेशन यूज करते थे। पहली बात, एक्सेलेशन कांस्टेंट होती थी तो क्या होता था, तो दो ही पाथ पॉसिबल होते थे, या तो पाथ स्ट्रेट लाइन होने वाला या पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला। याद करना बच्चों, दो ही पाथ के लिए पॉसिबल है एक्सेलेशन कांस्टेंट। या तो पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहा होगा तो भी एक्सेलेशन कांस्टेंट हो सकती है, और पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा तो याद करो हर पॉइंट पे जी लगा था और जी कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट एक्सेलेशन के लिए दो ही पाथ पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल, तो याद रखना। फिर हमने क्या देखा था कि अगर एक्सेलेशन कांस्टेंट है, कौन सी, टेंजेंशियल यानी मैग्नीट्यूड स्पीड का कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो यूसीएम है तो स्पीड कांस्टेंट है। और स्पीड और ओमेगा में क्या रिलेशन है,
वी दिस इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, अगर वी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो याद रखो ओमेगा कांस्टेंट है तो बच्चा डी ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो, डी ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो, और डी ओमेगा जीरो हो जाएगा तो ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, और ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला होता है आर इंटू अल्फा, ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू अल्फा, यानी अल्फा भी क्या हो जाएगा जीरो, तो यूसीएम के लिए अल्फा जीरो हो सकता है बट एनयूसीएम के लिए अल्फा जीरो नहीं होने वाला, ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर रेडियल एक्सेलेरेशन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करना बेटा, at दिस इज इक्वल्स टू r अल्फा, at को हम dv बाय dt भी लिख सकते हैं, और dv, v क्या है यहां पर, v वेलोसिटी नहीं है बच्चे, स्पीड का मैग्नीट्यूड है, यानी dv वेक्टर बाय dt, याद रखना बच्चे ये छोटे-छोटे बेसिक से पॉइंट है। और at को हम क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू क्या है r ओमेगा, तो v की वैल्यू को r ओमेगा पुट कर दो, r को कांस्टेंट ले आओ तो r d ओमेगा बाय dt, और d ओमेगा बाय dt अभी पढ़ा है अल्फा, यानी at का फॉर्मूला क्या होता है r * अल्फा। और रेडियल एक्सेलेरेशन क्या होती है, रेडियल एक्सेलेरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी की वैल्यू को आर ओमेगा पुट करो तो ऐसे भी हम आर ओमेगा स्क्वायर भी रेडियल एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं। अब ए नेट किसी भी पार्टिकल, जो भी सर्कुलर पाथ कर रहा है, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ कर रहा है, तो उसके पास किसी भी इंस्टेंट पर दो एक्सेलेरेशन होगी बच्चों, ये ए टी हमारे पास, और रेडियल एक्सेलेरेशन कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वो हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर लगने वाला है, इसी एआर को हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का नाम भी दिया था। और सर्कुलर मोशन में ये हो या ना हो, ये तो जरूर होना चाहिए, यानी इसके बिना तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने क्या देखा था, तो ए नेट यहां कहीं पर होगा बाय यूजिंग पैरेललोग्राम, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ए नेट का फॉर्मूला देख लो बेटा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। अब ए टी क्या है, टेंजेंशियल, अभी अभी देखा है, ए टी को मैं डी वी बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, ए टी को मैं आर डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, ए टी को मैं आर इंटू अल्फा भी लिख सकता हूँ, रख दीजिए। और ए आर क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, रख दीजिए बच्चों, यहां से ए नेट आ जाएगा। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे ये थीटा निकालना है, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, जिसके भी रेस्पेक्ट में ए नेट का ए आर के रेस्पेक्ट में पूछा गया, ए नेट का ए टी के रेस्पेक्ट में पूछा गया, तो ये हमें निकालना आता है, और हमें ये थीटा निकालना है तो ये हमें पता है, ये हमें पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बाय बे दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, तो ये रिलेशन भी हमें याद होना चाहिए। और इसके रिलेटेड फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी किए थे। अब बात करेंगे बच्चों हम डी सी पांडे का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, पढ़ना और फिर एनालाइज करना। उन्होंने बोला क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल। अभी अभी सर ने क्या बोला, सर अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगी तो देर आर ओनली टू पाथ पॉसिबल, आइदर पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ और इन प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट्स इट, कोई और पाथ पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। अब उन्होंने बोला कि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा तो जीरो हो गया, यानी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो जीरो, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो होने के बावजूद भैया ये रेडियल एक्सेलेरेशन तो होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियल एक्सेलेरेशन तो जरूरी है, तो रेडियल एक्सेलेरेशन होगा। अब रेडियल एक्सेलेरेशन का क्या काम है, सर वो लगातार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाएगा तो चेंज होगा, यस वेरिएबल एक्सेलेरेशन। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में दो ही पाथ पॉसिबल है, स्ट्रेट या प्रोजेक्टाइल, दैट्स इट, तो वेरिएबल आंसर आ गया, वेरिएबल। तो पहले का आंसर वेरिएबल, जिस जिस बच्चे ने लिखा है वो 1 मार्क लगा लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आप मुझे अपना अपना स्कोर लिख के बताएंगे कि आउट ऑफ 7 आप लोगों ने कितने नंबर अटेन किए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी एक बार रीड कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कर्व्ड पाथ में से कौन से पैरामीटर कांस्टेंट रहते हैं। तो कर्व्ड पाथ दो हो सकते हैं बच्चों, एक तो हमारा सर्कुलर मोशन कर ही रही है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन। जल्दी जल्दी बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कांस्टेंट रहता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक्सेलेरेशन, परफेक्ट। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कांस्टेंट रहता है, स्पीड, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड, ठीक है ना, स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो अल्फा की वैल्यू जीरो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, कर्व्ड पाथ में प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगी,
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहने वाली। ठीक है ना, परफेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में बेसिक सी चीज़ें हमसे बोली गई है कि हमें रेडियस गिवन है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर और वेलोसिटी हमें गिवन है 2 × t, यानी वेलोसिटी वेरिएबल है बच्चों। अब वेलोसिटी यानी स्पीड वेरी कर रही है, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड 2t का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा तो होगा ही होगा, अल्फा के बिना ये तो पॉसिबल नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलेशन होगा, उन्होंने यही पूछा है कि 1 सेकंड के बाद टेंजेंशियल एक्सेलेशन कितना होगा, रेडियल एक्सेलेशन कितना होगा और ए नेट कितना होगा। हमें ए टी ए आर पता लग गया तो ए नेट तो हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग दीज रिलेशंस, दैट्स इट। अब कैसे करें बच्चों, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले ये बताओ मुझे ए टी का फॉर्मूला क्या होते हैं, ए टी का फॉर्मूला ध्यान से सुनना। स्पीड वेरिएबल है बच्चों, स्पीड वेरिएबल है तो डीवी बाई डी टी, स्पीड वेरिएबल है भाई, डीवी बाई डी टी। यानी अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मेरे पास ए टी आ जाएगा। चलो जी ए टी आ गया मेरे पास, बोलो बच्चों कितना भैया, 2t का विद रेस्पेक्ट टू टी 2 बचने वाला है, यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी अब जो कि ये कांस्टेंट है तो अल्फा क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है ना, यानी 1 सेकंड के बाद भी यही रहेगा, 2 सेकंड के बाद भी यही रहेगा। अब हमसे पूछा गया ए आर, ए आर का फॉर्मूला बोलो बच्चों, ए आर का फॉर्मूला देखना, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी की वैल्यू 2t, लेकिन टी कितने पे, 1 सेकंड पे, तो वी स्क्वायर बाय आर और वी की वैल्यू 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, सेंटीमीटर में चल रहा है सारा तो चलेगा, तो ये कितना आ गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी ए आर भी आ गया। हमसे पूछा गया ए नेट निकालो, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला रहा, तो ए नेट कितना आ जाएगा बच्चों, ए नेट आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 16 + 4 = 20। लो भैया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया, इजी। अरे भैया इससे क्या, इसमें क्या मुश्किल आ गया। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक बार पढ़ लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों, क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल रोटेट्स एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। बच्चों इसमें सर्कुलर प्लस काइनेमेटिक्स का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्यों, क्योंकि हमसे एवरेज पूछा गया और इंस्टेंटेनियस पूछा गया, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो वी ही होगी उसकी, है ना। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि वी इंस्टेंटेनियस, तो किसी भी पॉइंट पर क्या रहने वाला बच्चों, वी। अब बस आपको करना क्या है, वी एवरेज कैलकुलेट करना, और वी एवरेज का फॉर्मूला बोलो, वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी, स्पीड नहीं पूछा, वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुना, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भैया यहां से चला 0 से 4 क्वाड्रेंट, याद करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, वो 90 डिग्री एंगल रोटेट किया, तो यानी वो ओ से चला तो ए तक आ गया, है ना। अब अगर इसको टोटल टाइम 30 सेकेंड्स लगा या 4 सेकेंड्स लगा, तो यहां से यहां तक आने में कितना सेकेंड लगा, 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, यानी टोटल टाइम अगर उसको टी लगा बच्चों, टी टोटल टाइम लगा ओ से वापसी ओ तक आने में, तो ओ से ए तक जाने में कितना लगेगा सर, इसका 1/4, यानी यहां से यहां तक आने में लगा टाइम t/4, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, तो यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, एवरेज स्पीड पूछा जाता तो हमें आर्क लेंथ निकालनी पड़ती, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ आर, आर तो ये बना √2r, बस काम खत्म। तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे बच्चों, वी एवरेज का फॉर्मूला हो गया सर टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी √2r बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम बोले तो t/4। अब बच्चों टोटल टाइम t/4 है और टाइम का फॉर्मूला हमें यहां से पता है, ओमेगा दिस इज इक्वल्स टू 2π/t, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है v/r, रख दो आंसर आ गया। चलिए स्टार्ट करें, तो हमने देखो यहां से टी की वैल्यू क्या रखनी है, टी की वैल्यू हम रखेंगे बच्चों 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा
और ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, वी बाय आर, यानी टू पाई वी बाय आर, यानी आर ऊपर आ गया, टू पाई आर बाय वी रखिए। चलो रेशो निकालने, तो रेशो क्या हो जाएगी बच्चों, वी एवरेज बाय वी इंस्टेंटेनियस, दिस इज कॉस टू। अब देखना ध्यान से, यहां पे रखो रूट टू आर, रूट टू आर डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू रखेंगे हम, टू पाई आर बाय वी, टू पाई आर बाय वी डिवाइडेड बाय फोर, डिवाइडेड बाय फोर डिवाइडेड बाय वी इंस्टेंटेनियस कितना है, वी 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 विल कैंसिल आउट, आर आर विल कैंसिल आउट, टू टू विल कैंसिल आउट। सही किया मैंने, हाँ जी। चलिए तो आंसर कितना आ गया बच्चों, ऊपर रूट टू बचा और नीचे कितना बचा बच्चों, टू इंटू पाई। देखना कुछ बचे ना, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज एकदम परफेक्ट है। इस टू को मैं लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू, यानी एक रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन बाय रूट टू इंटू पाई। लीजिए ये हमारे पास आंसर आ गया, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना कि कैलकुलेशन में कोई इशू ना आया हो, बाकी कोई इशू नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा है ना बेचा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल और अभी तक, यू विल रियलाइज कि इसके बाहर है ही नहीं फिजिक्स। छोटी 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 कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, उन्हीं का रिपीटेशन चलता रहेगा। अगर वही रिपीटेशन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है मेरे बच्चों, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। चलिए बात समझ में आई, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमसे बोला गया था कि एक पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, तो यूसीएम का मतलब हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहने वाली, यानी वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है ना। तो हमसे क्या बोला गया कि हमें रेशियो निकालनी है एवरेज वेलोसिटी बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ऐसे निकाला, अब ये टाइम कैसे निकाला, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा बाय टू पाई बाय ओमेगा। चलो तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला वी, वी है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमेशा वी रहने वाली है क्योंकि यूसीएम की बात कर रही है। रखो आंसर आ गया, चलिए पक्का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक बार आप पढ़ लीजिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपने पढ़ लिया बच्चों, ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लग रहा है क्योंकि लास्ट लेक्चर में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। बड़ा बेसिक सा बोला है कि पार्टिकल टी गोस टू जीरो पे पार्टिकल रेस्ट पे था और वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, वो हमें दे दिया गया है। हमें कैलकुलेट करना है कि वो टाइम बताइए जब उसका ए टी का मैग्नीट्यूड ए आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब अगर ए टी का मैग्नीट्यूड ए आर के मैग्नीट्यूड से बराबर होगा तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना बच्चों, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। वही ए टी मान लेते इधर है, ए टी और ए आर ये रहा हमारे पास है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर होंगे, और ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, मान लो ये थीटा है, ठीक है। चले अब क्या कह रहा है कि ये ए आर है तो ये भी तो ए टी बनाना बच्चों, दोनों बराबर होंगे। बोला गया है कि ए टी ए आर के बराबर है, तो यहां से टेंजेंट थीटा क्यों ना निकाल लूं मैं, टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू ए टी बाय ए आर, जो कि दोनों बराबर है, तो इसकी रेशियो आ गई वन, और थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 45 डिग्री। ध्यान से देखना बच्चों, थीटा कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री, यानी मैं लिख सकता हूं ए टी दिस इज इक्वल टू ए आर। अब ए टी की वैल्यू बताओ सर, ए टी की वैल्यू होती आर अल्फा, ए टी की वैल्यू आर अल्फा, ए आर की वैल्यू बताइए सर, ए आर की वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। लो जी आर ओमेगा स्क्वायर, आर आर विल कैंसिल आउट, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा। चलिए बच्चों अब हमें ये रिलेशन मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा। अब हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ना, टाइम पीरियड के लिए अब कुछ बच्चे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी रख के वैल्यू रख देते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना इसमें अब हमें ये सोचना है कि क्या ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होगा तो मैं डायरेक्ट ओमेगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी रख सकता हूँ, डायरेक्ट 2 पाई बाय टी रख देंगे और हम लोगों को रिलेशन मिल जाएगा। बट सर ओमेगा वेरिएबल है, जो कि हमें क्वेश्चन से पता लग गया कि अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन है तो वी वेरिएबल है बच्चों, वी वेरिएबल है तो ओमेगा भी वेरिएबल है, यानी हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो अब कैसे करें, तो अब ध्यान से देखो अल्फा दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, यानी जब भी चेंजेस वाला कॉन्सेप्ट आता है तो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं,
तो अल्फा वेरिएबल है तो अल्फा दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, मतलब ओमेगा वेरिएबल है, अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से अल्फा डी टी दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा, क्यों ना इंटीग्रेशन किया जाए, अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा। अब देखिए टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा की वैल्यू जीरो, यानी ओमेगा इनिशियल जीरो, टी इक्वल टू टी पर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा मान लेते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ से रिलेशन क्या है, अल्फा टी दिस इज इक्वल टू ओमेगा। लो जी वेरिएबल है तो ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अल्फा इंटू टी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा, अल्फा कितना है 4 इंटू टी, अंडर रूट अल्फा कितना है 2, ठीक है ना। अब देखो टी की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, दिस इज इक्वल टू 1/t, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2 सेकेंड्स आंसर। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट एक बार इस समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। चलिए आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको जल्दी रीड आउट कर लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखना। तो 6th क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया बच्चों, देखिए क्या बोला गया है कि वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, बट इस टाइम वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है। रेडियस हमें गिवन है, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है। हमसे बोला गया फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। अब ये एक्सेलेरेशन क्या गिवन है, ए टेंजेंशियल, ए रेडियल या ए नेट, ए नेट, परफेक्ट। यानी अगर मैं थोड़ा सा पिक्चर को बनाने की कोशिश करूँ, देखना ध्यान से, तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लेते हैं यहाँ पर ए टी होगा हमारे पास, ये ए रेडियल होगा बच्चों हमारे पास, और ये ए नेट होगा, ठीक है ना। अब इधर जिधर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है उधर ही वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ठीक है सर। अब हमें ये एंगल पूछा गया है थीटा, ये दिस इज द एंगल वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ए टी और ए आर के बीच का एंगल निकाल लूं, क्योंकि ये ए टी है तो ये भी ए टी होगा ना बच्चों, अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए या ये एंगल पता लग जाए तो 90 माइनस समथिंग, अगर मैं ये थीटा है ये अल्फा है, तो अगर मुझे अल्फा पता लग गया तो 90 माइनस अल्फा थीटा हो जाएगा। बस हमें ये तो कैलकुलेट करना, तो क्यों ना हम वही किया जाए बच्चों, ध्यान से देखना। अब ए टी और ए आर निकालते तो, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट थीटा क्या होगा बच्चों, टेंजेंट अल्फा बोल देते हैं, टेंजेंट अल्फा क्या होगा बच्चों, ए टी बाय ए आर, ये रहा ए टी बाई ए आर। चलिए अब हम लोगों ने ये अल्फा माना है ना, ये अल्फा माना है तो परपेंडिकुलर बन जाएगा ए टी, बेस बन जाएगा ए आर, यानी ए टी बाई ए आर, और टेंजेंट थीटा लिखेंगे तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा हमारे पास ए आर बाई ए टी। कैसे भी निकाल लो, मर्जी आपकी अपनी है, यानी हमें ए टी और ए आर कैलकुलेट करना है अभी, दैट्स इट। अब ए टी कैसे निकाले, ए टी के लिए देखो ध्यान से डी वी बाई डी टी, चलो अब डी वी बाई डी टी निकालते हैं, तो dv बाई डी टी ए टी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब dv देखना, यानी 8 डिफरेंशिएशन करना है 80, और t कितने सेकंड पे पूछा गया, 3 सेकंड पे, यानी 8 इंटू 3 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ar देखो, अब ar कितना आ गया बच्चों, ar का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय आर, v की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 इंटू t का स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 54। चलिए अब वैल्यू कितने पे, t की वैल्यू 3 सेकेंड्स पुट करो, तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर और t की पावर 4 हो जाएगी, है ना, यानी 3 की पावर 4, चलो डिवाइडेड बाय 54। अब ये कितना आ गया बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो 4 4 जा 16 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, लो जी डिवाइडेड बाय 54। अब ध्यान से सुनना बच्चों, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, इसने 27 ने इसको 2 पे गया कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यानी ये 8 3 24, ये भी 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अरे क्या आया, मतलब AT और AR सेम आ गया, तो ये रेशियो 1 हो गया, ये रेशियो 1 हो गया, तो टेंजेंट थीटा भी 45 डिग्री, टेंजेंट अल्फा भी 45 डिग्री, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, ये एंगल
वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोले तो भी, एटी और एक्सेलेरेशन बोले तो भी, वन इन द सेम थिंग। एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। लो जी, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको याद क्या रखना था कि एटी और एआर के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। चलिए अब बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आप अपना स्कोर मुझे मैसेज करना फटाक से कि कितने नंबर आपने लिए हैं। चलिए एक बार रीड आउट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 और फिर डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, तो आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि पार्टिकल इस बार ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। किसी भी इंस्टेंट पर उसके पास वी है, एक्सेलेरेशन हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो अपने रेडियस से ये सेंटर लाइन से 30 डिग्री एंगल पर है, जिस इंस्टेंट के बारे में उन्होंने बात कर रही है। तो बोला गया AR, AT और V निकालो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो बड़ा फंडा सिंपल है मेरे दोस्त, एक्सेलेरेशन का ये कंपोनेंट रेडियल, रेडियल रेडियल देखो ना, A का ये कंपोनेंट, यानी ये हमारा AR हो जाएगा और ये हमारा AT हो जाएगा। तो क्यों ना एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट कर ले। इसलिए मैंने बोला था cos थीटा और sin थीटा में कन्फ्यूजन मत रखना, सिंपली ब्रेक डाउन करना। तो AR कितना हो जाएगा बच्चों, A cos 30, और AT कितना हो जाएगा बच्चों, AT हो जाएगा सर A sin 30। देखो AR की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, रेडियल हो गया बच्चों, A की वैल्यू है 25 इंटू रूट 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और AT कितना हो गया बच्चों, 25 इंटू 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी और कैलकुलेट करना है, स्पीड। तो निकालो ना, AR गिवन है तो वी स्क्वायर बाय आर, तो AR पता लग गया, तो AR दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो V का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ AR इंटू आर। आर हमें गिवन है 2.5 मीटर, और AR अभी अभी निकाला है 25 इंटू रूट 3/2 रखेंगे और आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये 7 क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में आए होंगे, और अभी आप अपना स्कोर मुझे अपडेट कर देना। चलिए अब हम बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चर्चा आपको बता देता हूँ कि सर्कुलर मोशन में हम शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर वो इक्वेशंस पढ़ी थी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उनको डायरेक्ट सर्कुलर मोशन में कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, बहुत बेसिक सा फंडा, ध्यान से देखना। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इफ अल्फा इज कांस्टेंट, बच्चों ध्यान से सुनना, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, और अल्फा इज कांस्टेंट तो इसका मतलब क्या है, अल्फा को हम लिखते हैं 80 बाय आर। बेटे प्लीज पे अटेंशन, भैया देखिए रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, अल्फा कांस्टेंट है तो 80 भी कांस्टेंट है, ओके डन। और कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, लीजिए ये हमारे पास 80 हो गया और ये हमारे पास AR हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इस सर्कल को ब्रेक करके एक स्ट्रेट पाथ पे अप्लाई करूं, स्ट्रेट पाथ, ध्यान से सुनना, इस सर्कल को अगर मैं तोड़ दूं तो ये 2πr की एक लेंथ बन जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, तो अगर मैं ये 2πr की एक लेंथ बना लूं जो कि अल्फा कांस्टेंट है, यू कैन से 80 कांस्टेंट है, 80 कांस्टेंट, और 80 का फॉर्मूला अल्फा इंटू आर। बच्चों प्लीज पे अटेंशन, तो किसी भी इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी तो मैं निकाल सकता हूं। ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट बना जो अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। देखिए कैसे, कि अगर हमें यू की वैल्यू 0 गिवन है, ए हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमसे बोला गया फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो हम कैसे निकालते थे, हमें पता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाला फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना, तो वी की वैल्यू हमें निकालनी है, यू हमें 0 गिवन है, ए की वैल्यू हमें 2 पता है, टी की वैल्यू हमें 2 पता है, तो इट कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड, लगा है ना हम लोगों ने,
बनाना इजी हमारे लिए, तो क्यों ना हम इसको सर्कुलर मोशन में भी लगाने की कोशिश करें कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम पर अगर मुझे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़े तो भी मेरे पास यही वाला रिलेशन यूज कर सकता हूं मैं। कैसे? ध्यान से सुनना, अ वी दिस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की ए नहीं रख के ए टी लिखेंगे बच्चों, बस ए टी ध्यान रखना, क्योंकि ए टी ही रिस्पॉन्सिबल है स्पीड में वेरिएशन लेके आने के लिए। अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, जस्टिफाई के देख लो, ओमेगा फाइनल दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, यही तो लिखते हैं ना हम लोग, लिखते हैं ना ओमेगा एफ को फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा का फॉर्मूला होगा वी बाय आर, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। सिमिलरली ओमेगा इनिशियल को क्या लिख सकते हो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, और अल्फा को क्या लिख सकते हो बच्चों, अल्फा को लिख सकते हैं सर ए टी बाय आर। देखना ध्यान से रखो इस वाली क्वेश्चन में, तो v बाय आर दिस इज इक्वल टू यू बाय आर प्लस ए टी बाय आर इंटू टी, आर आर विल कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू टी। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज चलने वाला है, नॉट इन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। चलिए अब इतना हमें समझ में आ गया, यानी अगर हमें अल्फा गिवन है और अल्फा कांस्टेंट है तो मैं ये सभी रिलेशंस भी यूज कर सकता हूं डायरेक्ट। लेकिन ध्यान क्या रखना है, उन वाले फॉर्मूले में जहां हम लोग ए ए ए यूज करते थे, ए की जगह क्या हो जाएगा ए टी ए टी ए टी, क्योंकि ए टी ही रिस्पॉन्सिबल है या तो उसको इंक्रीज करने के लिए या स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, दैट्स इट, ए आर यूज नहीं करेंगे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी। चले स्टूडेंट्स, अब इसी शॉर्ट ट्रिक पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को पूछे जाने के दो तरीके, दोनों ही तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका क्या बोला है, पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन, पहली बात तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हो, रिलेशन हमें दे दिया गया है, या इसको पूछने का एक और फॉर्मेट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। वहां से भी ये सेम रिलेशन ही आता है बच्चों। कैसे आता है अभी बता देता हूं कि 1 बाई टू काइनेटिक एनर्जी दिस इज कॉस्ट टू एम वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम एक कॉन्स्टेंट इंटू एस लिखते हैं। ध्यान से सुनना, तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया बेटे, के टू बाई एम इंटू एस। अब ध्यान से देखो, के टू बाई एम ये एक कॉन्स्टेंट ही आ गया, इसको के डैश बोल देते हैं, तो यहां से वी का फॉर्मूला क्या आ गया, के डैश अंडर रूट एस। तो ये रिलेशन डायरेक्ट ना पूछ के ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो हमारा दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब बोला क्या गया है, फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब हमें टी के रेस्पेक्ट में यानी स्पीड कैलकुलेट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए सबसे पहली बात क्या बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है अल्फा, क्योंकि स्पीड को वेरी कराने के लिए अल्फा रिस्पॉन्सिबल है। अब या तो अल्फा कॉन्स्टेंट होगा या अल्फा वेरिएबल होगा। अगर अल्फा वेरिएबल हुआ तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट हुआ तो v इक्वल्स टू u प्लस at इनटू t की रिलेशन का यूज करेंगे एंड वी कैन इजीली गेट द आंसर, ठीक है ना। तो अगर अल्फा कांस्टेंट हुआ तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at इनटू t। अब बच्चों फिर वही बात, स्पीड को वेरी कराने के लिए, चेंज कराने के लिए केवल और केवल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रिस्पॉन्सिबल है। अब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला देखिए, at दिस इज इक्वल्स टू dv बाय dt। बच्चों ये रिलेशन आपको ध्यान से देखो, v और s का रिलेशन है, याद करो लास्ट के वो छह रिलेशन पढ़े थे, xt vt at vx ax और av, है ना। हाँ, उनमें से ही वो रिलेशन है vx, बस अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि देखो ध्यान से स्पीड वेरी कर रही है तो at रिस्पॉन्सिबल और at को हम क्या लिखते हैं, dv बाय dt। क्यों ना इसको ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड किया जाए, आ गया याद, परफेक्ट काम हो गया सर। at दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ds बाय dt, ds बाय dt क्या बना, स्पीड, तो v dv बाय ds। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करते थे, सर v एज अ फंक्शन ऑफ s गिवन है, यस सर, तो dv बाय ds निकाल सकता हूं, यस सर, यानी इसी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो dv बाय ds क्या आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, k कांस्टेंट है,
रूट वन वन बाई एस की पावर वन बाई टू, यानी पावर को नीचे लेके आ जाओ और एक पावर कम कर दो, यानी एस की पावर माइनस वन बाई टू, यानी मैं लिख सकता हूँ के टू रूट एस। ये कौन आ गया बच्चों? डी वी बाई डी एस आ गया ना। अब v और dv by ds की वैल्यू को at में पुट करो, तो at देखना क्या है बच्चों, at v की वैल्यू k रूट s और dv by ds की वैल्यू k by 2 रूट s, रूट s रूट s विल कैंसिल आउट, तो k स्क्वायर by 2। अरे k तो खुद कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, यानी at कांस्टेंट आ गया सर। अरे भैया at कांस्टेंट आ गया तो अब तो काम खत्म, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अरे बच्चों तो v दिस इज इक्वल्स टू u प्लस at इंटू t। लो जी बोलो समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, टेंशन कहीं की लेनी है। बोलो समझ में आया पक्का? अब बच्चों हम बात करेंगे कुछ लीनियर पैरामीटर्स और एंगुलर पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। कुछ एंगुलर पैरामीटर हो सकता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके एंगुलर पैरामीटर हो सकता है सेम रहे, लेकिन लीनियर पैरामीटर हो सकता है चेंज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट, बड़ा बेसिक्स है, टेंशन नहीं लेना। मान लो एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी याद है? यस सर, रिजिड बॉडी वो बॉडी जिसके एक पार्ट दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो। चलिए मान लो ये रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी इज मूविंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ये फिक्स है, ठीक है। चलो अब हमें बात करना है कि थीटा ए थीटा बी में क्या रिलेशन है, ओमेगा ए ओमेगा बी में क्या रिलेशन है, अल्फा ए अल्फा बी में क्या रिलेशन है। ये तो एंगुलर पैरामीटर्स हो गए। अब लीनियर पैरामीटर आ जाए बच्चों, एस सी और एस बी में क्या रिलेशन है यानी डिस्टेंस, वी ए और वी बी में क्या रिलेशन है यानी वेलोसिटी, ए ए और ए बी में क्या रिलेशन है। अच्छा ए ए और ए बी से पहले हम लोग इसके दोनों ही पैरामीटर्स को बात कर ले, यानी ये नेट है, ये तो है ना, ए ए टेंजेंशियल और ए बी टेंजेंशियल में क्या रिलेशन है, ए ए रेडियल और ए बी रेडियल में क्या रिलेशन। अब प्लीज पे अटेंशन बच्चों, जैसे ही ये घूमेगा सबसे पहले ओमेगा के बारे में चर्चा करते हैं। जल्दी बताओ ओमेगा क्या होने वाला है? अरे सर रिजिड बॉडी है, हाँ, और रिजिड बॉडी में हमने बताया था अगर कोई भी रिजिड बॉडी घूम रही है तो उसके किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का ओमेगा विल रिमेन सेम, यानी सर ये तो सेम रहने वाला है ना। अच्छा एक बात और बताओ, किसी भी पॉइंट पर मान लो ये यहां पर आ गया घूम के, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहने वाले, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। और देखो ध्यान से, अगर ओमेगा सेम है तो अल्फा दिस इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, यानी अल्फा दे ए इक्वल्स टू अल्फा बी, यानी जब भी कोई रिजिड बॉडी घूम रही होगी तो किसी भी इंस्टेंट पर थीटा ए थीटा बी के बराबर, उसी पे दो भी पॉइंट्स ले लिए, ओमेगा ए ओमेगा बी के बराबर रहेगा और अल्फा ए अल्फा बी के बराबर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं लीनियर पैरामीटर्स की। अब यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, तो हमें समझ में आ गया बी का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ए, ठीक है ना बच्चों, बहुत सुंदर। अब वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी में भी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे वाह भाई वाह सर, इसका वेलोसिटी ज्यादा होने वाली है। अच्छा अब एक बात बताओ, वेलोसिटी बी की ज्यादा रहने वाली है तो वेलोसिटी को चेंज कौन सा कंपोनेंट करता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ए ए का और ए बी में किसका ज्यादा है, बी का। अच्छा यहां पे देखिए रेडियल रेडियल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, और वी किसका बड़ा है, बी का, तो ये भी बड़ा होने वाला है। सोचो बी का टेंजेंशियल भी बड़ा है रेडियल भी बड़ा है, बी का टेंजेंशियल भी बड़ा है रेडियल भी बड़ा है, तो इसका ए नेट भी बड़ा होने वाला है। बात समझ में आई? देखो दोबारा से, हो सकता है उनके एंगुलर पैरामीटर्स बराबर हो बट लीनियर पैरामीटर्स बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं, इनका इनका कन्वर्जन इनका इनका कन्वर्जन आना चाहिए, यानी ये टेबल तो हम लोगों को दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए कह रहा हूँ चीज़ों को एनालाइज करना। चलिए बच्चों तो अब हम बात करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये कर्वेचर का मतलब क्या है,
यानी घुमाओ, इट इज डिफाइंड फॉर एनी पाथ, किसी भी पाथ के लिए डिफाइन कर सकते हैं, वेदर ये एक स्ट्रेट पाथ हो, कोई भी कर पाथ, कैसा भी पाथ, जैसे ऐसे ऐसे पाथ है कोई भी, किसी के लिए भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं। पहली बात तो देखिए कर्वेचर का मतलब क्या है, कर्वनेस, कर्वनेस मतलब घुमाओ, ये ज्यादा घुमाओ है, ये थोड़ा और कम घुमाओ है, ये और ज्यादा घुमाओ, घुमाओ का मतलब कितना कर्व बना रहा है, ये वाला कर्व, एक ऐसा भी कर्व, ये भी कर्व है लेकिन कम घुमावदार है, ये ज्यादा घुमावदार है ना, ये और ज्यादा हो गया, तो ये कर्वनेस, बेसिकली कर्वनेस ऑफ कर्व, या यू कैन से सर्कल, कि कितना कर्व है। अब देखिए क्या करना है, अब ये अगर हम बात करें इस कर्व के बारे में, तो हम बिल्कुल एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, एक छोटे से सेगमेंट को मान के ना, इसको इसको आर्क मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ये बना दिया सर्कल, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाया जाएगा। इसको बनाना है तो इसको आर्क मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ये बना दिया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाया जाएगा, आर सी से रिप्रेजेंट कर दो। यहां पे इसको मान के बना दो बच्चों, है ना, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाया जाएगा। अगर हम बात करें यहां पे, तो इसको मान के कर दो तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाया जाएगा। यहां से एक चीज हमें समझ में आई, देखिए इसका कर्व ज्यादा था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, इसके रेस्पेक्ट में इसका कर्व कम था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, इसके रेस्पेक्ट में इसका कर्व और भी कम था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर भी ज्यादा, यानी कर्वनेस, कर्वनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि जिसमें जितना कम घुमाव होगा ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा। और ये हमें समझ में भी आता है, एक ये है एक सर्कल, घुमाओ देखो, एक सर्कल ये है, तो जितना कम घुमाव होगा ना, कर्व जितना कम होगा उतना ही ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जितना ज्यादा कर्व होगा उतना ही कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के दो तरीके, वन इज मैथमेटिकली एंड सेकेंड वन इज बाय यूजिंग फिजिक्स लॉज। तो अगर हम बात करें आरओसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए, बेटा मैथमेटिक्स में तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना। और एक अपना फिजिक्स वाला, हमें फिजिक्स की ज्यादा जरूरत है लेकिन हमें दोनों ही याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। उसमें क्या निकालना है मैथमेटिक्स में, इफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वन प्लस डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स की पावर स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। यानी हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इज इक्वल टू एक्स अगर हमें गिवन है, तो देख के पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन होने वाली है। अब हमसे कोई पूछे स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, वैसे तो कॉमन सेंस से आपको पता है स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट। अब सर ये कैसे पता लगेगा इनफाइनाइट, देखो याद करो हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो इसमें डबल डिफरेंशिएशन करना है ना वाई का, एक बार ही करो डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का कितना आ गया 1, यानी कांस्टेंट आ गया, यानी डबल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0। अब ध्यान से देखो समथिंग ऊपर कुछ भी वैल्यू रहे डिवाइडेड बाई 0 हो गया, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो रेडियस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कितना आ गया बच्चों, रेडियस ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना आ गया, इन्फिनिटी। ये याद रखना है, किसी भी फंक्शन का हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, याद हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फिजिक्स के बारे में कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान से, मान लो फिजिक्स के लिए कोई भी पाथ पे हमें डिफाइन करना है, तो जैसे ही फिजिक्स आता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मान लो हमें इस पॉइंट के बारे में बात करनी है, इस पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर मान लो वेलोसिटी ये रही हमारे पास और एक्सेलरेशन ये रहा हमारे पास थीटा,
तो इस एक्सेलेरेशन के क्यों ना दो कंपोनेंट किए जाए, वन इज ए कॉस थीटा, या मैं इसको बोल सकता हूं ए टेंजेंशियल, क्या बोल सकता हूं बच्चों, ए टेंजेंशियल, और सेकेंड वन इज ए रेडियल या ए परपेंडिकुलर, या इसको ए पैरेलल भी बोल सकते हो, या ये यहां पर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर मान लो मैं यहां पर ये एक कर्व के बारे में बात कर रहा हूं, इस इंस्टेंट पर अगर मैं इसको एक सर्कुलर मोशन मानूं, तो सर्कुलर मोशन ध्यान रखना ये ए रेडियल क्या होगा सर, ए रेडियल होता है वी स्क्वायर बाय आर, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। तो अगर मैं उस इंस्टेंट पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूं, किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, यहां पर चले जाएंगे तो अलग, अब यहां पे देखना v और हो सकता है a में कुछ एंगल अलग हो जाए, थीटा वन हो जाए, कुछ भी, किसी भी इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर a रेडियल अलग हो जाएगा जिस भी इंस्टेंट पर अभी निकालना है, तो उस इंस्टेंट पर ये देखिए कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं रेडियल एक्सेलेरेशन, क्योंकि रेडियल एक्सेलेरेशन में ही वी स्क्वायर बाई आर, और आर ही क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें क्या करना है, उस इंस्टेंट पर देखिए ए रेडियल दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, प्लीज पे अटेंशन बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए रेडियल यानी वी स्क्वायर बाय ए रेडियल या वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर, उस टाइम की स्पीड के परपेंडिकुलर, स्पीड v इज स्पीड, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बाय यूजिंग फिजिक्स क्या आया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी स्पीड के परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन हमें लेनी है, ध्यान रखना स्पीड के परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन हमें चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला बाय यूजिंग फिजिक्स एंड ये वाला फॉर्मूला बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, दोनों से ही आपको एक चीज और प्रूव करा देता हूं कि अगर स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ ध्यान से सुनना, स्ट्रेट पाथ में केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, क्योंकि रेडियल तो डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो ए टी कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी ए आर या ए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जीरो, है ना, फॉर्मूला पुट करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों, स्पीड ये रही यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ए आर की वैल्यू जीरो, यानी वी स्क्वायर बाय जीरो, अगेन ये भी क्या बना बच्चों, इनफाइनाइट, क्या बना बच्चों, इनफाइनाइट, यानी स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इनफिनिटी, याद होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, अगर ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, यानी कोई भी हमें y इज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तो हम उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिजिक्स का यूज करके हमें एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के साथ खेलना आना चाहिए। तो हमें देखा किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बात करेंगे तो उसका रेडियल एक्सेलेरेशन स्पीड के परपेंडिकुलर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया बच्चों, वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर या ए रेडियल या ए सेंट्रीपिटल, हमें पता होगा तो हम इजीली का फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए अब इन्हीं से रिलेटेड दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, करें स्टार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, जितना ज्यादा कर उतना छोटा रेडियस, जितना कम कर उतना ज्यादा रेडियस, मैथ्स के बेस पे ये वाला फॉर्मूला और फिजिक्स के बेस पे जिस भी इंस्टेंट पे आपको कैलकुलेट करना है उस इंस्टेंट पे स्पीड देखो और उसके परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट देखो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं देखना बस। चलिए चलिए गाइस, तो इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, क्योंकि कर्व पाथ है भैया प्रोजेक्टाइल मोशन भी, और कर्व पाथ है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैलकुलेट करेंगे। हाँ, कर्व पाथ में और सर्कुलर पाथ में क्या डिफरेंस है, कर्व पाथ में ये हो सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा हो, और सर्कुलर मोशन में क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहने वाला है। चलिए तो अब हमें बात क्या करना है, हमें तो फॉर्मूला याद है सर, रेडियस दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर, वी के परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन देखनी है। अब बोला क्या, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अब देखो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं आता होगा
तो ये एक टॉपिक यूजलेस है उसके लिए। अब हमें इतना समझ में आया ये तो प्रोजेक्टाइल करने वाला, प्रोजेक्टाइल करने वाला है तो टॉप मोस्ट पॉइंट यानी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर, और मैक्सिमम हाइट पर वी वाई कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो, यानी वी एक्स ही कितना रहेगा बच्चों, यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड थ्रू आउट क्या रहेगी बेटा, कॉन्स्टेंट, और एक्सेलेरेशन लगेगी जी नीचे, एक्सेलेरेशन लगेगी यहां पर भी जी नीचे। अब ध्यान से देखो, यहां तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा सिंपल सा दिखाई दिया है, देखो स्पीड ये रही बच्चों और उसके परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन इस टाइम पे जी ही है, तो यू कॉस थीटा बाय जी। यू कितना बच्चों, टेन रूट टू, टेन रूट टू कॉस 45 बाय जी की वैल्यू 10 ही मान लेते हैं, यानी 10 10 विल कैंसिल आउट और कॉस 45 बोले तो रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू। लो भैया यानी रेडियस आ गया 1 मीटर, सिंपल इजी था, दैट्स वाई करने की कोशिश करी है। अब अगर हमसे बोला जाए, दूसरा क्वेश्चन बोला जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना ध्यान से, वही प्रोजेक्टाइल है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पर फेंका गया, ठीक है ना, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कैलकुलेट करना है। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखना, अब देखिए क्या हुआ भैया, पाथ तो ये ऐसी करने वाला है प्रोजेक्टाइल, अब 1 सेकंड के बाद कहां पर हुआ होगा, मान लो यहां पे पहुंचा है वो, ठीक है ना, तो इस पे यहां पर वी वाई भी होगा और यहां पर u मतलब वी एक्स भी होगा और इनका रिजल्टेंट ये जाएगा बच्चों v, और हमें इस स्पीड से मतलब है ना, वी एक्स से मतलब है ना, हमें वी वाई से मतलब है। चलिए अब हमें v कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनो बच्चों, तो यहां पे यू एक्स कितना हो गया, यू एक्स की वैल्यू 50 cos 53 और यू वाई कितना हो गया बच्चों, 50 sin 53। चलिए पहले ये निकाल लेते हैं, तो ux की वैल्यू, अब cos 53 कितना होता है बच्चों, cos 53 हो जाएगा सर 3/5, यानी 50 × 3/5 दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है ux में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि ux के तो परपेंडिकुलर लगने वाला है g, तो g किसको चेंज करेगा, vy को, तो vy देखना 1 सेकंड के बाद कितना होगा, vy दिस इज इक्वल टू uy माइनस, माइनस क्यों, g नीचे लग रहा है, g इंटू t, देखो vy दिस इज इक्वल टू 40 − 10 × 1, 1 सेकंड के बाद देखना है हमें, तो ये कितना है बच्चों 30 मीटर पर सेकंड। याद देखो vx भी 30 मीटर पर सेकंड है और vy भी 30 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड के बाद यहां पर पहुंचा है तो उसके पास ये वाली वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकंड और ये वाली वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकंड। प्लीज पे अटेंशन बच्चों, और जी लगेगा नीचे, जी लग रहा है नीचे, बहुत सुंदर। अब क्या करें सर, अब हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये आई ना 30√2 और ये एंगल कितना है 45 डिग्री, समझो ये 30√2 हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, ये एंगल 45 डिग्री और यहां पर जी लग रहा है 10। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बहुत सुंदर तरीके से आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बच्चों, v पता लग गया, यस सर, लेकिन v के परपेंडिकुलर a या g चाहिए, लेकिन ये g v के परपेंडिकुलर नहीं है, v तो ये है बच्चों इस लाइन के क्रॉस, क्या ये इसके परपेंडिकुलर है, नहीं सर, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा सर, ये लाइन। अब हमें ये एंगल चाहिए, ध्यान से देखो ये थीटा, ये 45 डिग्री, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना बना 45 डिग्री, तो ये भी कितना बना 45 डिग्री, तो ये कौन है जी, जी का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, जी कॉस 45, बस खत्म, वी ये रहा और जी परपेंडिकुलर ये रहा, रख दो वैल्यू, बोलो कितना है आंसर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वी स्क्वायर यानी 30 × √2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर कितना आया बच्चों, जी कॉस 45। सॉल्व कर लेंगे, चलो कर लेते हैं। ये कितना बनेगा बच्चे, 900 इंटू टू डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 बाय रूट टू। ठीक है बच्चों, जीरो जीरो विल कैंसिल आउट, तो ये कितना बना बच्चों, 180 रूट 2 मीटर। लो जी, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई होप ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। किसी भी न्यूमेरिकल के साथ, किसी भी कर्व्ड पाथ के साथ आप एसोसिएट करो और वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास को वाइंड अप करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझाता हूं बच्चों, समझना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल है और वो कॉन्सेप्ट हम काइनेमेटिक्स में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। चले स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये वाला टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। बट पहले समझ लीजिए, हमें वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, हमें एक्सेलेरेशन वेक्टर गिवन है, हमसे बोला गया फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन हमारा फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का वही रहेगा, स्पीड का स्क्वायर बाय उसके परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना बच्चों। मान लो कोई भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी और इधर ही हमारे पास कौन जाएगा, ए टेंजेंशियल, और इधर कौन जाएगा, ए रेडियल। अब समझने की कोशिश करना, स्पीड के पैरेलल ए टेंजेंशियल, यानी मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलेरेशन तो इधर कहीं होगी, एक्सेलेरेशन तो यहां कहीं है ना, तभी इसके दो कंपोनेंट की, यानी एटी इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग या पैरेलल टू वेलोसिटी, अलोंग और पैरेलल टू वेलोसिटी। ध्यान से सुनना बच्चों, एटी क्या है, अभी तक हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोलते आए थे ना, तो टेंशन नहीं लेना, बस वही ही तो है, वेलोसिटी भी इधर एक्सेलेरेशन भी इधर, तो पैरेलल हो गया। कौन है एटी, इस एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट, किधर, पैरेलल टू वी, दैट्स इट। एंड व्हाट इज ए आर, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू वी। व्हाट इज ए आर, ए आर को ही ए परपेंडिकुलर बोला था, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू वी, बस। यानी इसी फॉर्मूले में जब हम ए नेट की बात करेंगे तो ए नेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, ए टी यानी ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर सर हमें अब यहां कैसे करें, अब ध्यान से देखो, ए गिवन है यानी हमें ए नेट गिवन है, क्या गिवन है, ए नेट गिवन है, हमें ए नेट गिवन है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हुए क्या याद करना है, ए परपेंडिकुलर, हमें ए परपेंडिकुलर चाहिए, हमें ए नेट गिवन है। तो बच्चों यहां पर बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट हम ए पैरेलल निकाल सकते हैं। अब ए पैरेलल है क्या वो याद होना चाहिए, ए पैरेलल इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वी। यानी अब समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है बी और ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है ए, और दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर है। मुझे ए का कंपोनेंट चाहिए पैरेलल टू बी, मुझे ए का कंपोनेंट चाहिए पैरेलल टू बी, वो ए का कंपोनेंट क्या कहलाया जाएगा, ए कॉस थीटा। यानी ए कॉस थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। और मुझे अगर ये ए पैरेलल पता लग गया, ए नेट मुझे पता है, तो मैं ए परपेंडिकुलर इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इस ए कोस थीटा को निकालने का क्या तरीका है, तो ए कोस थीटा, आप समझ में आ गए, ए कोस थीटा क्या है, ए पैरेलल, क्या है, ए पैरेलल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी अगर मैं एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में अगर करना चाहूं, मुझे क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन पैरेलल टू वी यानी ए पैरेलल। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बाय जिसके पैरेलल चाहिए ना उसका मैग्नीट्यूड, ये वाला फॉर्मूला है। अब सुनो,
अब इसको क्या करो, अब देखो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, यानी ए डॉट डॉट लगाए बी, ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट। अच्छा डॉट प्रोडक्ट है ये पहली बात, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जिस बच्चे को आता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आता समझ लीजिए, हालांकि वर्क पावर एनर्जी में डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है, बट अभी न्यूमेरिकल करना है तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। अब ये होता क्या, इसका फॉर्मूला खुद सुनिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको ओपन करेंगे ए बी डॉट वी, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब देखो डिवाइडेड बाय बी कर देते हैं, अगर बी से बी कैंसिल आउट तो ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा ही हमें कैलकुलेट करना होता, तो फॉर्मूला तो परफेक्ट है। अब हाउ टू कैलकुलेट दिस डॉट प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं करना, जैसे हम वेक्टर्स की एडिशन करते थे कैसे करते थे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लाई कर दो डॉट प्रोडक्ट में। आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अब देखिए, चलिए बच्चों, तो अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखिए, अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, लेट्स से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, अब पैरेलल है तो बच्चों बताओ थीटा कितना, थीटा बना 0 डिग्री। चलिए, यानी दोनों का यूनिट वेक्टर सेम, मे बी आई डायरेक्शन, मे बी आई कैप मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, अगर मुझे करना है आई डॉट आई या जे डॉट जे, तो अब इसको कैसे लिखूंगा मैं। अब देखिए आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई यानी 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई यानी 1 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना बच्चों 0 डिग्री, तो 1 इंटू 1 cos 0 1, तो ये कितना बना बच्चों 1 इंटू 1 इंटू 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू cos 0 यानी ये भी 1। सिमिलरली के डॉट के कितना बनेगा बच्चों, के डॉट के बनेगा सर ये भी 1। समझ में आया ना। अब लेकिन आई डॉट जे आ जाए, तो आई डॉट जे का मतलब हमें समझ में आ गया कि एक वेक्टर आई एक्स एक्सिस में, एक वेक्टर वाई एक्सिस में है, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो आप कैसे लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस ऑफ 90। अब ये वन लेकिन कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0। यानी डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। सिमिलरली जे डॉट के भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0, और के डॉट आई भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब एक एग्जांपल देते हैं, लेट से हमारे पास ए वेक्टर है बच्चों 2i कैप + 3j कैप - k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर है हमारे पास i कैप - 2j कैप + 3k कैप। हमसे बोला गया ए डॉट बी करो, हालांकि हमें मल्टीप्लीकेशन आती है, लेकिन डायरेक्ट देखिए कैसे, आई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करते थे ना हम लोग, जैसे अगर मैं एक बताऊं आपको, हम लोग ऐसे करते थे x प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो पहले x को a के साथ मल्टीप्लाई करते थे, x को b के साथ, यानी अगर मैं इसको ओपन करूं तो ऐसे लिखते थे ना, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस, फिर y को करते थे y a प्लस y b। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए, i को i के साथ करेंगे, i को j के साथ करेंगे, i को k के साथ करेंगे, लेकिन हमें पता है i को i के साथ करेंगे तो ही मैग्नीट्यूड वन आएगा, i को j के साथ करेंगे तो भी 0, i को k के साथ करेंगे तो भी 0। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, i का कोफिशियंट और इस i के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे i का कोफिशियंट कितना है बेटे, 1, यहाँ पे कितना है 2 2 इंटू 1 2, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, दैट्स इट, जो भी आंसर आया वो आंसर आ गया ए डॉट बी। तो -3 -6 -9 + 2 -7, तो ये ए डॉट बी देखो एक कैसी क्वांटिटी आई, स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इन दोनों का करके दिखाओ, चलो करते हैं। तो वी वेक्टर कितना बच्चों 2i
प्लस 3j, और a वेक्टर कितना है बच्चों, i प्लस j, है ना। हमें जरूरत है v डॉट a की, निकालो चलो, 2 इंटू वन 2 प्लस 3 इंटू वन 3, तो v डॉट a कितना है बच्चों 5। अच्छा एक बात हो, v डॉट a करो या a डॉट v करो आंसर वही आएगा भाई, 2 इंटू 3 करो 3 इंटू 2 करो आंसर तो 6 ही आने वाला है ना, सेम। अब एक चीज और, चलिए हमें a परपेंडिकुलर निकालना है, a परपेंडिकुलर निकालना है, तो a परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, a परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a नेट का स्क्वायर माइनस a पैरेलल का स्क्वायर। a पैरेलल अभी अभी बताया कैसे निकालते, तो a पैरेलल डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, a पैरेलल कितना आ जाएगा बच्चों, a डॉट v, और जिसके अलोंग निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। a डॉट v अभी अभी निकाला, a डॉट v या v डॉट a सेम ही है, इसको लिख लो बेशक, v डॉट a दिस इज इक्वल्स टू a डॉट v सेम, ठीक है। ये कितना है बच्चों 5। अंडर रूट v, अंडर रूट v कैसे निकालते, तो v का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, हमें आता है निकालना अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना बना बच्चों ये रूट 13, तो v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो रूट 13 क्या बन गया बच्चों, ये a पैरेलल। लो जी आ गया, रखो यहां पर a नेट कितना है, a नेट भी निकाल लो, a नेट कितना है बच्चों, a मैग्नीट्यूड का नेट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये कितना है बच्चों रूट 2। चलो सारी चीजें हमें पता लगी, अब रखो यहां पर a नेट का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस a पैरेलल का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर बाय 13 यानी 25/13, तो ये कितना बना बच्चों, एलसीएम ले लो, 13 टू जा 26 माइनस 25 यानी रूट 1/13, तो a परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों रूट 1/13। हमें तो r चाहिए ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला ये रहा v, अब v का मैग्नीट्यूड देखो रूट 13 का मैग्नीट्यूड यानी रूट 13 का स्क्वायर a परपेंडिकुलर 1/13, 1/13 यानी रूट 13 ऊपर आ गया, तो ये कितना बना बच्चों 13√13 मीटर। लो जी ये आंसर आ गया, बोलो बच्चों। तो अगर दोनों वेक्टर्स हमें गिवन है तो भी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आना चाहिए, बहुत सिंपल सा फंडा, कैसे करना है समझ में आया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले, कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि ए पैरेलल कैसे निकालते हैं। ए पैरेलल के लिए क्या करो, डॉट प्रोडक्ट ले लो डिवाइडेड बाय जिसके अलोंग पैरेलल वेक्टर निकालना उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली। अब एक क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क के लिए, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, वी की वैल्यू दे दी मैंने 3i कैप प्लस 4j कैप, और ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप, फाइंड ए परपेंडिकुलर, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दो पार्ट आपको करने हैं, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। चलिए गाइस, आई होप आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिकली ए परपेंडिकुलर भी पूछा जा सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना भी पूछे तो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो चलिए गाइस, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने बड़े मज़ेदार बहुत इंजॉयमेंट के साथ पढ़ा होगा, और होपफुली ये लेक्चर आप लोगों को बहुत बेनिफिट भी देने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइस की मोटिवेटिंग अस की वॉचिंग वीडियोज़, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।